वारिस पंजाब दे के मुखिया और खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब तक अमृतपाल मामले में 112 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें उसके समर्थक और साथी शामिल हैं। न्यूज़क्लिक के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमृतपाल के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, पूरे पंजाब में पुलिस का पहरा क्यों है, और ये भी बताएंगे कि अमृतपाल सिंह है कौन। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार 50 रुपए और महंगा हो गया है। राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। शनिवार 18 मार्च को पंजाब से एक नाटकीय कार चेस की खबरें आ रही थी, जिसमें पंजाब पुलिस खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह और उसके साथियों का पीछा कर रही थी। शुरू में खबर यह आई कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जल्द ही ये भी कहा गया कि वो अभी भी फरार ही है। इस व्यापक सर्च ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के 30 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार सुबह SSP जलंधर ने बताया कि अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और एक अन्य साथी ने शाहकोट थाने में सरेंडर कर दिया। हरजीत सिंह ने रविवार को कहा था कि अमृतपाल और उसके दो साथियों को पुलिस ने शाहकोट से गिरफ्तार कर लिया है, मगर वो बता नहीं रही है। अमृतपाल के चार साथियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया है ताकि वो आइसोलेशन में रह सकें। इसी बीच पंजाब में इंटरनेट और SMS सेवाएं भी मंगलवार दोपहर 12 बजे तक के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। पहले इन सेवाओं पर रोक सोमवार तक की थी। रविवार रात को वारिस पंजाब दे के वकील ईमान सिंह खारा ने एक हैबियस कॉर्पस याचिका पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि अमृतपाल को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया है, मगर वो बता नहीं रही है। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस से इस मामले में जवाब भी मांगा है। अब जानते हैं कि अमृतपाल का पीछा पंजाब सरकार कर क्यों रही है, उस पर आरोप क्या है। पंजाब पुलिस ने एक नई FIR दर्ज करते हुए अमृतपाल को आर्म्स एक्ट का भी दोषी बताया है, पर यह सब शुरू हुआ था 23 फरवरी 2023 को, जब अमृतसर की अजनाला जेल में सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया था। इनका मुखिया था अमृतपाल सिंह, मांग थी उसके एक साथी लवप्रीत सिंह की रिहाई। जेल पर उस हमले के बाद पंजाब सरकार झुक गई, अमृतपाल के साथी को रिहा कर दिया गया। इस घटना में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। लवप्रीत सिंह को पंजाब पुलिस ने 17 फरवरी को एक किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया था। किडनैपिंग की FIR रोपड़ जिले के वरिंदर सिंह ने अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि 4 से 5 लोगों ने वरिंदर को पीटा और अगवा किया था। ये भी कहा गया कि वहीं पर अमृतपाल सिंह और उसके करीब 30 साथी मौजूद थे। अमृतपाल पर इस वक्त 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, पुलिस वालों पर हमले, किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले शामिल हैं। पूरे पंजाब में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा लगा हुआ है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से लेकर अमृतपाल के गांव जल्लूपुर खेड़ा में उसके घर तक सुरक्षा बल मौजूद है। सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी आ रहे हैं, जिसमें पुलिस अमृतपाल के घर में घुस रही है और उसकी माँ उन्हें रोक रही है। रविवार को जब पूरे पंजाब में पुलिस सर्च ऑपरेशन और नाकाबंदी कर रही थी, तब मानसा जिले में हजारों लोग पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बरसी मनाने के लिए जमा हुए थे। बरसी के दौरान अमृतपाल की बात भी उठी। बलकौर सिंह ने पंजाब पुलिस की टाइमिंग पर सवाल उठाया और कहा कि आज ही का दिन उन्हें क्यों मिला इसकी जांच करने के लिए। सिद्धू के पिता हैं बलकौर सिंह, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को सिद्धू की बरसी में आने से रोकना चाहती है, इसलिए बस सेवा बंद कर दी, इंटरनेट बंद कर दिया। पंजाब में कांग्रेस और BJP के नेताओं ने अमृतपाल पर इस कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि ये कदम भले ही देर से उठाया गया हो, मगर स्वागत योग्य कदम है। हालांकि पंजाब सरकार के इस कदम की आलोचना भी कम नहीं हो रही है। पूरे राज्य में पुलिस के पहरे और अमृतपाल पर शिकंजे का विरोध करते हुए मोहाली में प्रदर्शन किए गए। कौमी इंसाफ मोर्चा द्वारा चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर पहले से ही बंदी सिंह यानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की मांग की जा रही है। कौमी इंसाफ मोर्चा ने इस कदम की निंदा भी की है। हम आपको इस मामले से जुड़े सभी अपडेट्स देते रहेंगे। जाते जाते आप ये भी जान लीजिए कि अमृतपाल सिंह का इतिहास क्या है। 1993 में पैदा हुआ अमृतपाल सिंह दुबई से भारत अगस्त 2022 में आया था। इस वक्त वो वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया है। वारिस पंजाब दे वही संगठन है जिसे दीप सिद्धू ने शुरू किया था। दीप सिद्धू पर ही 26 जनवरी को लाल किले पर निशान साहिब फहराने का आरोप लगा था। दीप सिद्धू की फरवरी 2022 में कार एक्सीडेंट में संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान आकर अमृतपाल ने संगठन की कमान संभाल ली। अमृतपाल पंजाब में नशे की लत, बंदी सिंहों की रिहाई और खालिस्तान जैसे मुद्दों पर बात करता है। एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि मैं भारतीय नहीं हूं, पंजाबी हूं। हमें वो पूरा खित्ता चाहिए जहां पंजाब पहले रूल करता था, पहले हिंदुस्तान से लेंगे फिर पाकिस्तान भी जाएंगे। सोशल मीडिया पर अमृतपाल के समर्थक उसे भिंडरा वाले 2.0 कहते हैं। भिंडरा वाले यानी जरनैल सिंह भिंडरा वाले।